बहुत सारे मेल्स अपने पीनीस के साइज को लेकर, शेप को लेकर बहुत ज्यादा कंसर्न रहते हैं। उन्हें ये नहीं पता है कि मेरा साइज ठीक है या मैं ठीक से कर पाऊंगा या नहीं, या इस पीनीस के साथ मुझे किस तरह की पोजीशंस लेनी चाहिए। आज इस वीडियो में बात करने वाली हूँ ऐसे 6 कॉमन पीनीस शेप और साइज के बारे में जो कि हमारे आसपास मेल्स के होते हैं, जो एब्सोल्युटली नॉर्मल है, या उन्हें कैसे करेक्ट करना चाहिए या फिर उनको किस पोजिशन का यूज करना चाहिए, डिटेल में बात करेंगे। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर नेहा मेहता। मैं एक सेक्स काउंसलर हूं और पिछले काफी सालों से प्रैक्टिस कर रही हूं। अपनी हर वीडियो के माध्यम से सेक्स से जुड़ी सही जानकारी आप तक पहुंचाने की कोशिश करती हूं। और आज बात करने वाली हूं पिनीज मतलब मेल के प्राइवेट एरिया का साइज और शेप, कौन सा होना चाहिए और कौन सा वाला नॉर्मल है, क्या पोजीशंस, एवरीथिंग। मुझे पता है आप ये वीडियो अंत तक देखने वाले हैं, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। तो चलिए, मैं बात कर रही थी पीनीस के साइज के बारे में। सबसे पहले समझिए कि बहुत हम सबका टेक्सचर अलग है, हम सबकी स्किन टोन अलग है, हम सबकी बॉडी अलग है, तो हम सब मतलब मे बी अगर आप एक फैमिली के भी मेंबर हैं तो भी आपका पीनीस का साइज अलग अलग हो सकता है। बहुत सारे मेल्स में ये प्रॉब्लम है, उन्हें लगता है वो किसी और का देखते हैं तो उन्हें लगता है कि इसका यार बड़ा है, मेरा छोटा है, मेरी गर्ल ज्यादा है, उसका साइज ज्यादा है, मेरे को प्रॉब्लम होने वाली है, या फिर मेरा पार्टनर सेटिस्फाई नहीं रहने वाला है। तो इस तरीके से बहुत सारे सारे डाउट्स उनके दिमाग में रहते हैं। क्या है वो मेजर शेप्स? सबसे पहले बात करेंगे बनाना पीनीस के बारे में। ये वो पीनीस है जिसके बारे में आप वीडियोस में देखते हैं या फिर आप पॉर्न देखते हैं तो वहां पे आपको नजर आता है कि बहुत ज्यादा बनाना की तरह मतलब लंबा और कर्वेचर टूवर्ड्स योर नाभि, नाभि की तरफ आपका साइज ऊपर की तरफ उठता है जब वो इरेक्टेड हो जाता है। तो हर किसी को ऐसा लगता है कि ये बहुत ज्यादा स्टैंडर्ड साइज है। यस, बनाना पीनीज आर ऑलवेज गुड क्योंकि वो फीमेल को जी स्पॉट तक ले जाने में हमेशा हेल्प करता है, और ये पीनीज हर किसी को बहुत ज्यादा डिजायरेबल होता है, मेल्स को भी और फीमेल्स को भी। तो बनाना शेप दो तरीके का होता है, एक है डाउनवर्ड बनाना और एक है अपवर्ड बनाना। अपवर्ड बनाना वो शेप है जो इरेक्शन के बाद आपकी नाभि की तरफ चला जाता है, और डाउनवर्ड बनाना शायद वो है जो कि इरेक्शन होने के बाद टेस्टिकल्स की तरफ नीचे की तरफ मुड़ जाता है। दोनों ही शेप्स में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। दोनों को अगर हम अलग अलग पोस्चर के साथ ट्राई करेंगे तो दोनों ही बनाना शेप पीनीस फीमेल को सेटिस्फेक्शन तक पहुंचा सकते हैं। जब आप आउटवर्ड की तरफ बात करते हैं मतलब ऊपर की तरफ बात करते हैं तो आप डॉगी स्टाइल ट्राई कर सकते हैं, और जब हम लोअर की तरफ बात करते हैं स्पेशली जो भी हम वीडियोज में देखते हैं लंबे पीनीस यूजली लोअर साइड होते हैं, लेकिन ये वो बनाना साइज है जो फीमेल के जी स्पॉट पे, इवन वो लोअर साइड भी है वहां पे भी वो हेल्प कर सकता है। दूसरा जो मेजर शेप पाया जाता है वो है क्यूकुम्बर साइज। क्यूकुम्बर शेप एक ऐसा शेप है जो कि बीच में से थोड़ा सा पतला और नीचे और ऊपर से मतलब बेस और जो हम बोलते हैं हेड दोनों तरफ में बहुत ज्यादा मोटा, लेकिन बीच में से उसका शाफ्ट ठीक। ये साइज भी बहुत ज्यादा फीमेल्स बहुत पसंद करती हैं क्योंकि ये वो शेप है जिसके अंदर आपके जितने भी शॉट्स हैं या जितनी भी परफॉर्मेंस है वो बेटर होती है। फिर मैं बात करूंगी हैमर साइज पीनिस की। हैमर साइज आप समझते हैं मतलब हथौड़े के साइज जैसा, जो कि नीचे से थोड़ा सा पतला होते हुए लेकिन जहां उसका हेड होता है वहां पे उसकी अच्छी गर्थ होती है। हैमर साइज पीनीस बहुत ज्यादा प्लेजरेबल होता है फीमेल्स के लिए क्योंकि उनका हेड बहुत अच्छा होता है, तो वो जो अंदर जाके फ्रिक्शन क्रिएट करेगा या वजाइना में जाके जब सेक्स करेगा तो वो फीमेल को प्लेजर देता है। हाँ, हैमर साइज पीनीस के लिए आप बहुत ज्यादा कोई एक पोजिशन नहीं ट्राई कर सकते क्योंकि वो बहुत ज्यादा अंदर जाने की बजाय वो गर्थ में मोटा होता है, तो वो प्लेजर जल्दी सीख कर सकता है, लेकिन लंबे लंबे पोजीशंस या फिर आप एक ही पोजीशन में लंबा समय करना चाहें वो प्रोबेबली इस शॉर्ट पीनीस के साथ पॉसिबल नहीं हो पाता। अगला कॉमन जो शेप है वो है पेंसिल साइज पीनीस। पेंसिल साइज पीनीस मतलब एक पेंसिल की तरह ऑलमोस्ट सेम टू द बेस एंड शाफ्ट, शाफ्ट मतलब बीच वाला डंडा, लेकिन जब ऊपर की बात करी जाए तो यहाँ पे वो बिल्कुल ऐसे ट्रायंगल की तरह क्रिएट हो जाता है।
ये वाला पीनीस यूजली सर्कमसाइज्ड पीनीस माना जाता है, मतलब जो जिनकी ऊपर की चमड़ी उतरी हुई होती है उसमें पेंसिल टाइप पीनीस बहुत ज्यादा कॉमन है मेल्स के अंदर, और ये यूजली लंबा होता है, मतलब पीनीस जो है वो पेंसिल की तरह लंबा होता है, और ये पीनीस फीमेल्स को इसलिए पसंद आता है क्योंकि वो डीपर पेनिट्रेशन में हेल्प करता है। फिर मैं बात करूंगी मशरूम साइज पीनीस की। मशरूम साइज पीनीस इररेगुलर होता है, लेकिन जो उनका टिप है, मतलब जो उनका हेड है, वो काफी बड़ा होता है। मशरूम साइज पीनीस छोटा और मोटा होता है, इररेगुलर है, मतलब इसमें लेंथ की बजाय इनकी गर्थ मोटी होती है। तो गर्थ मोटी होने के कंपैरेटिवली, मतलब जो आपका फ्रिक्शन है फीमेल के वजाइना के अंदर, वो स्ट्रांग हो पाएगा। ऐसी वाली फीमेल्स को हो सकता है जी स्पॉट रिलैक्सेशन ना मिले, लेकिन जो उनके वजाइना की जो स्किन है उससे उनका टच बहुत बेटर हो पाएगा। ऐसे भी बोला जाता है कि जब हम फिंगर इंसर्ट करते हैं तो फिंगर की लेंथ बहुत ज्यादा नहीं होती, लेकिन जितनी फिंगर्स ज्यादा होती जाएं और गर्थ बढ़ती जाए उतना फीमेल्स को प्लेजर मिलता है, क्योंकि जो पेनिस की स्किन है वो फीमेल के वजाइना के साथ जुड़ती है। तो इसलिए जरूरी नहीं है कि जिसके पीनिस का लेंथ लंबा हो वो ज्यादा प्लेजरेबल है, इवन अगर आपकी गर्थ भी अच्छी है तो भी आपका पार्टनर सेटिस्फाई हो सकता है। लास्ट जो सबसे कॉमन साइज है वो है सी शेप्ड पेनिस। सी शेप्ड पेनिस का मतलब है कि वो नीचे से ठीक है, लेकिन वो राइट साइड की तरफ थोड़ा सा बेंड है। ये कर्वेचर एग्जैक्टली सी जैसा नहीं होता है, लेकिन थोड़ा सा राइट साइड की तरफ बेंड होता है। अब ऐसे जो मेल्स हैं उनको शायद कभी कभार वीडियोस देखकर ये लगता हो कि मुझे कोई प्रॉब्लम हो गई है, शायद कहीं ना कहीं मुझे ट्रीटमेंट कराने की जरूरत है, लेकिन अगर आपका माइल्ड सा कर्वेचर राइट साइड की तरफ है तो दैट इज नॉट इम्पॉर्टेंट कि आप में कोई प्रॉब्लम है। जबकि आप पेंसिल साइज पीनीस की बात करते हैं तो वो बिल्कुल 90 डिग्री होता है, जो कि आप वीडियोज में देख के आपको लगता है कि उफ माई गॉड मेरा ऐसा क्यों नहीं है। जबकि नॉर्मली अगर आपका थोड़ा सा राइट साइड सी कर्वेचर है तो देयर इज नथिंग टू वरी, और ऐसा नहीं है कि आप अपनी वाइफ को सेटिस्फाई नहीं कर पाएंगे। ये जो मैंने आपको कॉमन शेप्स बताई हैं ये एक्चुअली कॉमन है, और आप नहीं तो किसी और का, और बहुत ज्यादा मेल्स में पाई जाती है। एक चीज और जो आपको समझने की जरूरत है कि पीनीस हमेशा रिलैक्स स्टेट में उसकी शेप मैटर नहीं करती। जब वो इरेक्टेड होगा, मतलब इंटरकोर्स के लिए रेडी होगा, तभी उसकी शेप का एनालिसिस किया जा सकता है। और जो बात समझने की है वो ये कि जब भी हम पीनीस की शेप के बारे में बात करते हैं तो ऐसा नहीं है कि कुछ नॉर्मल और एबनॉर्मल है। नॉर्मल एबनॉर्मल तब देखा जाता है जब आपका साइज एक्सेसिवली बहुत ज्यादा कम हो, मतलब 3 इंचेस से भी कम हो, इरेक्टेड पोजिशन में आपको ऐसा लगता है कि वो बहुत जल्दी बाहर निकल जाता है, वो एक्सेसिवली राइट या लेफ्ट साइड बहुत ज्यादा कर्व्ड है, या फिर अनसर्कमसाइज्ड है, मतलब स्किन नीचे की तरफ नहीं जाती है और उसकी वजह से मेरे को बहुत ज्यादा पेन होता है, तभी आपको एक डॉक्टर को दिखाने की जरूरत है। अदरवाइज आप अपने किसी पॉर्न वीडियो में देख रहे हैं या अपने किसी दोस्त का देख के आप असेस कर रहे हैं कि मेरे में तो कोई प्रॉब्लम है, इट्स नथिंग लाइक दैट। ये कुछ ऐसे शेप्स हैं जो बिल्कुल नॉर्मल है और सेक्स करने में किसी भी तरीके की प्रॉब्लम नहीं आती है। फिर एक बात और समझने की जरूरत है कि पीनीस के साइज से ज्यादा, उसके शेप से ज्यादा मैटर करता है उसका इरेक्शन, मतलब जितना उसमें तनाव होगा, वो चाहे कुकुम्बर शेप का हो, चाहे मशरूम शेप का हो, चाहे बनाना शेप का हो, हर तरीके से जब तक इरेक्शन में प्रॉब्लम होगी तब तक डेफिनेटली आपके पीनीस अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाएगा और आपका पार्टनर अनसेटिस्फाई रहेगा। ऐसे में बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप अपना टेस्टोस्टेरोन लेवल को चेक करें, क्योंकि वो इरेक्शन के पीछे सबसे मेजर कारण पाया जाता है। टेस्टोस्टेरोन का लेवल आप अपने ब्लड लेवल से चेक कर सकते हैं, आपका कोई भी पीनीस साइज हो, लेकिन अगर आपको पोजीशन की सही नॉलेज है और आपको समझ में आता है कि मुझे मेरे पार्टनर के साथ कौन सी पोजीशन ट्राई करनी है, तो चाहे कितना भी अलग पीनीस हो वो आपको हेल्प करेगा। अब प्रॉब्लम क्या होती है कि हमें पोजीशंस की नॉलेज नहीं होती, हमें नहीं पता होता कि किस पीनीस शेप पे किस तरीके का पोजीशन ट्राई करना चाहिए। ऐसे में आपको कोई गाइड नहीं भी मिल रहा है तो अलग अलग पोजीशन ट्राई करो और समझो कि मेरे लिए बेस्ट सूट क्या करता है, क्योंकि जब तक आप ट्राई नहीं करोगे आपको पता नहीं चलेगा कि मेरे पार्टनर को या मुझे या मेरे साइज के हिसाब से कौन सा सही पोजीशन है और मुझे किसके अंदर प्लेजर आता है। पोजीशन गाइड की वीडियो बहुत जल्दी आएगी जब मैं अलग अलग पेनिस के हिसाब से आपको एग्जैक्ट पोजीशंस बताऊंगी। तो अगर ये वीडियो आपको इंटरेस्ट करी है तो आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है।
बहुत से और ऐसे वीडियोस आते रहेंगे, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ फीमेल के क्या ब्रेस्ट टाइप्स हैं, किस तरीके से उनको प्लेजर दिया जाए, या फिर किस तरीके के पेनिस के साथ किस तरह की पोजीशन बिल्कुल नहीं अपनानी है। हर किसी चीज के बारे में बात करूंगी आगे आने वाली वीडियोस में। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं, इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरे दोनों नए चैनल साइकोलॉजी सीखो और लवोलॉजी सीखो, जो कि मेंटल हेल्थ और सेक्सुअल हेल्थ के बारे में बहुत सारा कंटेंट डिलीवर करते हैं, उसको साथ साथ जरूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करें।